Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रचा जा चुका है लैंडर मॉड्यूल, इतिहास रचा जा चुका है, वो इतिहास रचा जा चुका है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व नजरें लगाकर बैठा था। ये हमारा वो हिंदुस्तान जिसके पद चिन्ह अब चंद्रमा पर दिखाई देंगे। जो सपना देखा गया वो सपना पूरा हुआ है। 140 करोड़ देशवासियों की गर्व की बात है। कई असर में एक कहावत है चंद्रयान 3 ने चंदा मामा सफलता पूर्वक लैंडिंग किया और चांद पर प्रज्ञान की चहल कदमी भी जल्द नजर आएगी। चांद ही मंजिल कह रहा हमारा दिल और आज उन आंसुओं के ऊपर खुशियों के आंसुओं की वो आवरण छिपी है जो अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि 2019 में जो हुआ था उसने एक महसूस कराया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। सर, I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह